आई शेडो बेस प्राइमर इसका मतलब ये है इसका मतलब इसका प्राइस आप देख सकते हैं कितने अच्छे गाइज वेलकम बैक टू चैनल सो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ yes, शेयर करूंगी सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं yeah. तो guys, आज जो प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो सारे मैंने Amazon से बाई किए हैं तो ईजिली अवेलेबल भी हैं और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोडक्ट्स के सेपरेट लिंक्स भी मिल जाएंगे और आपको एक सिंगल लिंक भी मिल जाएगा माई हॉल स्टोर करके जिसमें आपको सारे ही कलेक्शन दिख जाएगी तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको पता है आपने क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है बेलाइकन प्रेस करना है और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है हैंडल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं सो so गाइज काफी सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से बाय किए हैं और एक एक करके मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाती जाऊंगी और साथ साथ में उनका मिनी रिव्यू भी देती जाऊंगी लेकिन उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का डिटेल में रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉइस्चराइजर की तो गाइज मैं बात कर रही हूँ ये पोन्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर सारी स्किन टाइप वालों के लिए सुटेबल है स्पेशली ऑयली स्किन वाले भी इस मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ऑयली स्किन वालों को यही रहता है कि हम कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करें जिससे कि हमारा फेस और भी ज़्यादा ऑयली ना दिखे बल्कि ऐसा मॉइस्चराइज़र हो जो हमारे फेस से एक्सेस ऑयल को भी कंट्रोल करे और स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करे तो गाइस आप बिल्कुल इस मॉइस्चराइज़र को बाय कर सकते हैं मेरी स्किन नॉर्मल है मेरे ऊपर भी ये वाला मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से सूट किया है काफ़ी अच्छे से इसने वर्क किया है इसमें है हयालोरोनिक एसिड एंड वाइटामिन ई एक बार मैं आपको अंदर का प्रोडक्ट भी दिखा देती हूँ तो गाइज़ इस तरीके का जेल फॉर्म में आपको स्काई ब्लू कलर का प्रोडक्ट मिल जाएगा बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी आपने लेनी है और पूरे फेस के ऊपर इजीली अप्लाई हो जाएगा तो गाइस फर्स्ट प्रोडक्ट है ये उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं प्राइमर की तो प्राइमर में मैंने चूज़ किया है मेबलिन का फिट मी ड्यूई प्लस स्मूथ प्राइमर यह है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए ऑयली स्किन वाले इसको ट्राई ना करें क्योंकि हो सकता है कि ये आपकी स्किन को और भी ज़्यादा ऑयली दिखाए तो इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है इसमें आई थिंक दो वेरियंट और आते हैं मैंने ये वाला पिक किया है क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल है तो ये मुझे काफ़ी अच्छे से सूट किया है दो तीन बार इसको यूज कर चुकी हूं इस तरीके की ट्यूब पैकेजिंग में मिल जाएगा और बहुत ही थोड़ा सा प्रोडक्ट यूज होता है जस्ट इतना सा प्रोडक्ट इनफ है आपके पूरे फेस के लिए और इजीली ब्लेंड भी हो जाता है बहुत अच्छे से आपके स्किन पोर्स को फिल इन करता है आपके स्किन को स्मूथ बना देता है जिससे कि जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो फाउंडेशन आपका बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस दिखाई देता है उसके बाद बात कर लेते हैं फाउंडेशन की तो फाउंडेशन के लिए गाइस मैंने लिया है मेबलिन का सबसे फेमस फाउंडेशन मेबलिन सुपर स्टे ट्वेंटी फोर आवर फुल कवरेज फाउंडेशन इस फाउंडेशन के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है लाइक बहुत ज्यादा बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत प्रेस करी है और सच में मैंने इसको ट्राई किया है दो बार इसको अभी तक ट्राई कर चुकी हूं सच में फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है इसमें मेरा शेड है है क्लासिक आइवरी हाई कवरेज देता लॉन्ग लास्टिंग रहता है और वाटर प्रूफ स्मचप्रूफ फाउंडेशन है तो बिल्कुल इसको ट्राई कीजिएगा इस तरीके से पंप फॉर्म में आपको मिल जाएगा जो इसका प्राइस यहाँ पे सेवन फिफ्टी है लेकिन मुझे फाइव फिफ्टी तक का मिल गया था ये वाला प्रोडक्ट उसके बाद गाइज मेरे पास यहाँ पे है इन कॉस्मेटिका आई शेडो बेस प्राइमर यह न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है और बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो गया है थोड़े ही टाइम में तो रिसेंटली मैंने स्टाइल को देखा था कि वो इस प्रोडक्ट को ट्राई कर रही थी तो मैंने सोचा कि इसको तो ऑर्डर करना ही है क्योंकि उन्होंने इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करी थी और ये इसकी इनर पैकेजिंग है छोटू सा कंटेनर आपको मिल जाएगा और तीन साल की इसकी शेल्फ लाइफ है नाइनटी इसका प्राइस है और सेवन ग्राम की क्वांटिटी आपको मिल जाएगी तो गाइस ये बेसिकली आई बेस प्राइमर है लेकिन आप इसको एज ए फेस प्राइमर भी यूज कर सकते हैं

करेंगे तो आपकी आई शेडो क्रीज नहीं करेगी एकदम इवनली ब्लैंड होगी और लॉन्ग लास्ट स्टे भी करेगी तो बिल्कुल तो बहुत ही अच्छे से आपको एक ब्लशी लुक देता है और साथ में इसके अंदर आपको थोड़ी सी शीन भी मिल जाएगी यानी कि अगर आप हाईलाइटर ना भी अप्लाई करें इस ब्लश को अप्लाई करने के बाद तो भी चल जाएगा आपको अलग से हाईलाइटर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है तो इस तरीके का कॉरेली शेड में ब्लश है और देन उसके बाद मेरे पास सेम मेबलिन का ही मास्टर क्रोम हाइलाइटर है जिसमें मेरा शेड है मोल्टन गोल्ड इसमें दो शेड आते हैं रोज गोल्ड है आई थिंक दूसरा शेड और एक मोल्टन गोल्ड है मैंने इसके ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ देखे हैं तो इसी को ही मैंने बाई कर लिया और गाइस ये मस्ट हैव हाइलाइटर है अगर आपके पास अभी तक कोई भी हाइलाइटर नहीं है और आप एक अच्छा हाइलाइटर बाय करना चाहते हैं तो गाइस जरूर से इस हाइलाइटर को ट्राई कीजिएगा बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है आपके पूरे फेस को अच्छे से हाईलाइट करने के लिए और इसका प्राइस यहां पे 550 फिफ्टी मैंशन है लेकिन मुझे आई थिंक 450 या 400 तक का मिल गया था और गाइस अगर आपको लगता है ना कि ये हाईलाइटर बहुत ज्यादा कॉस्टली है तो ऐसा नहीं है कोई भी मेकअप प्रोडक्ट अगर आप लेके चले आपको लगता है कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई है लेकिन आप दूसरी साइड ये भी देखिएगा कि इसकी क्वांटिटी कितनी यूज होती है बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी यूज होती है चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है ब्लश है या हाईलाइटर है या फिर फाउंडेशन है अगर आप तो अच्छे प्रोडक्ट में कुछ स्पेंड कर लेंगे तो आपका काफी टाइम तक चल जाएगा इवन की जब तक इसकी ड्यू डेट है तब तक आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो चाहे आपके घर में आपके फ्रेंड्स आपकी सिस्टर्स भी इस प्रोडक्ट को यूज कर लें तब भी बहुत जल्दी प्रोडक्ट खत्म नहीं होता है काफी टाइम तक मेकअप प्रोडक्ट्स चल जाते हैं तो गाइस अगर अपने लिए ले रहे हैं अपने फेस पर अप्लाई करने के लिए कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बाय करें ताकि आपके फेस पर कोई भी साइड इफेक्ट ना हो उसके बाद गाइस बात कर लेते है आई शेडो की तो सबसे पहले मैंने ली है ये मार्स की आई शेडो और इसमें मेरा शेड है अप तो ये है इसकी आउटर पैकेजिंग और पैकेजिंग इज जस्ट वाओ गाइस बहुत अच्छी इसकी पैकेजिंग लगी मुझे और अंदर आपको ये प्लास्टिक शीट मिल जाएगी और मिरर देख सकते हैं आप कितना बड़ा सा मिरर आपको मिल जाएगा और गाइस अगर आई शेडो की बात करें तो इसमें आपको मैट्स भी मिल जाएंगे शिमरी भी मिल जाएंगे और एक गोल्डन शेड करके भी है जिसको आप एज ए हाईलाइटर भी यूज कर सकते हैं मैं आपको कुछ आई के स्वाचेस दिखा देती हूँ ये तीनों कलर मैंने शिमरी पिक किए हैं और यस yes, आप देख सकते हैं गाइस कितने अच्छे कलर आए हैं पे ऑफ बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है अगर आप कोई अच्छी आई शेडो ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल आप मार्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं देन उसके बाद मैंने ली है स्विस ब्यूटी की लिक्विड आई शेडो और इस बार मैंने शेड बाय किया है जीरो फाइव रोज गोल्ड रेट्रो करके और लिक्विड आई शेडो का बेनिफिट ये होता है कि जब आपको कहीं जाने की बहुत ज्यादा जल्दी हो आपके पास इतना टाइम नहीं है लेकिन आपको एक अच्छा आई मेकअप भी क्रिएट करना है तो ये आई शेडो का बेनिफिट ये कि आपने सिंपल एक ट्रांजिशन शेड लगाया और इस आई शेडो को आप कट क्रीज की तरीके से लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा इंस्टेंट आपको आई कलर मिल जाएगा और उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं लिपस्टिक की कोई भी मेकअप हॉल करो

और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक है इजिली सेवन टू एट आर तक आपके लिप्स पर स्टे करती है ये वाली लिपस्टिक और उसके बाद एक और लिपस्टिक मैंने बाय की है ये वेटन वाइल्ड की लिक्विड मैट लिपस्टिक है और इसमें मेरा शेड है बैरी रेकोगनाइज और इस वक्त मैंने इसी शेड को ही वेयर किया है और गाइस वेटन वाइल्ड की ये वाली लिपस्टिक की जो रेंज है ना उसमें सबसे फेमस कलर यही है बैरी रेकोगनाइज उसके बाद गाइस लास्ट प्रोडक्ट की बात करने जा रही हूँ ये मैंने बाय किए हैं मेकअप ब्रशेस स्टार मेकर के मेकअप ब्रशेस के बारे में मैंने बहुत सुना है काफी से मैं बाय करने का सोच भी रही थी सबसे पहले आप इनकी पैकेजिंग देखिए कितने अच्छे से पैक कोई भी नहीं है लेकिन मुझे डिटेल्ड आई ब्रशेस चाहिए थे काफी टाइम से मैं सर्च कर रही थी तो इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया आपको इसमें हर साइज का ब्रश मिल जाएगा तो गाइस जो भी प्रोडक्ट आप बाय करना चाहते हैं लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंगल लिंक आपको मिलेगा माय होल स्टोर करके जिसमें आपको सारी कलेक्शन दिख जाएगी और सारे प्रोडक्ट के सेपरेट लिंक भी आपको मिल जाएंगे सो so ये थी मेरी आज की वीडियो मेकअप मस्ट केव प्रोडक्ट फ्रॉम एमेजोन आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तो गाइज चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर लव यू ऑल